नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ डिप्रेशन मोटापा जैसी 10 बीमारियों का हल है नटराजासन, और साथ ही बताऊंगी इस आसन को करने का सही तरीका। दोस्तों स्वस्थ और फिट रहने के लिए लोग जिम में घंटों पसीना बहाने के साथ हेल्दी डाइट लेते हैं, लेकिन बावजूद इसके मोटापा डायबिटीज जैसी बीमारियाँ पीछा नहीं छोड़ती। ऐसे में आज हम आपको नटराजासन योग के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी वजन बढ़ने से लेकर हर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स दूर होंगी। रोजाना अभ्यास करने से व्यक्ति जवान रहता है, इसके साथ ही शरीर के अंदरूनी अंग ठीक से कार्य करते हैं। तो आइए जानते हैं नटराजासन करने की विधि और इसके फायदे। क्या है नटराजासन? दोस्तों भगवान शिव के कई नामों में से एक है नटराज, जो उनका नृत्य अवतार है। नटराजासन एक स्थायी आसन है जिसमें संतुलन और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। नटराजासन को लॉर्ड ऑफ द डांस पोज के नाम से भी जाना जाता है। नटराजासन की विधि। नटराजासन योग करने के लिए आप सबसे पहले योगा मैट पर ताड़ासन की मुद्रा में खड़े हो जाएं। अब सांस को अंदर लेते हुए अपने बाएं पैर को पीछे की ओर घुटनों से मोड़े और बाएं हाथ से उसके अंगूठे को पकड़े, फिर जितना हो सके बाएं पैर को उतना ऊपर की ओर उठाएं। इस दौरान आपके शरीर का वजन दाएं पैर पर होगा। अब शरीर के ऊपर के हिस्से को आगे की ओर झुकाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि निचली पीठ संकुचित न हो। इसके बाद अपने दाएं हाथ को आगे की ओर सीधा करें। अब इसी तरह दूसरी तरफ से भी इस प्रक्रिया को दोहराएं। इस मुद्रा को लगभग 15 से 30 सेकंड तक रखें और इसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। शुरुआत में संतुलन स्थापित करने के लिए आप दीवार का सहारा ले सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इसे बिना सहारे के करने की कोशिश करें। नटराजासन के फायदे। नंबर एक, मेटाबॉलिज्म करे बूस्ट। दोस्तों नटराजासन योग मेटाबॉलिज्म दर को भी बढ़ाता है, जो वसा को खत्म करने में मदद करता है। यह आसन पेट के अंगों को उचित खिंचाव देता है और यह आपके पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। नंबर दो, वजन घटाए। दोस्तों जब हम इस आसन को करते हैं तो आपको अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है, जिससे शरीर की एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होती है। अगर आप भी तेजी से वजन घटाना चाहते हैं तो रोजाना यह आसन करें। नंबर तीन, शरीर को बनाए लचीला। दोस्तों अगर आप अपने शरीर के लचीलेपन को बढ़ाना चाहते हैं तो नटराजासन योग सबसे अच्छा ऑप्शन है। इस आसन का अभ्यास करने से सीने, टखनों, कूल्हों और पैरों को ताकत मिलती है। इस आसन के अभ्यास से आपके पैर और हाथ मजबूत होते हैं। नंबर चार, दिल के लिए फायदेमंद। दोस्तों यह योग कंधे और दिमाग में कैल्शियम के जमाव को रोकता है, जो दिल के लिए काफ़ी फायदेमंद है। नियमित रूप से यह आसन करने से आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। नंबर पाँच, तनाव व डिप्रेशन। दोस्तों नटराजासन योग तनाव को कम करने और सहन शक्ति को बढ़ाने में भी मदद करता है, साथ ही इससे डिप्रेशन की समस्या भी दूर होती है। नटराजासन योग एकाग्रता में सुधार करने में भी मदद करता है। नंबर छः, माइग्रेन दर्द को करे दूर। दोस्तों अगर आपको माइग्रेन का दर्द रहता है तो यह योग आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इससे दिमाग शांत होता है, जिससे माइग्रेन का दर्द भी गायब हो जाता है। नंबर सात, घुटने को आराम। दोस्तों इसके नियमित अभ्यास से आप अपने घुटने को मजबूत करने के साथ साथ इसके दर्द को भी कम कर सकते हैं। नंबर आठ, बेहतर नर्वस सिस्टम। दोस्तों रोजाना यह आसन करने से हाथों पैरों में ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, साथ ही यह नर्वस सिस्टम को भी बेहतर बनाता है। पाचन क्रिया को रखे दुरुस्त। दोस्तों आपको बता दें इस योगासन के अभ्यास से एब्डोमिनल ऑर्गन के फंक्शन को सुधारने में मदद मिलती है, जिससे आपका पाचन बेहतर होता है। नंबर 10, ग्लोइंग स्किन। दोस्तों चेहरे की सुंदरता बढ़ाने के लिए महिलाएं बहुत से ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन रोजाना यह आसन करने से भी आप चेहरे का ग्लो बरकरार रख सकते हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। दोस्तों अब जानेंगे इस योग को करते हुए हमें कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। अगर आपको लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो इस आसन को करने से बचें। इस आसन को करते समय ज़्यादा स्ट्रेचिंग से बचें। अगर आसन के दौरान कंधे, कूल्हों या घुटनों में दर्द हो तो अभ्यास वहीं रोक दें। किसी भी व्यायाम का अभ्यास करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इस आसन को आप किसी योगा प्रशिक्षक के सामने करें।
दोस्तों ये थे नटराजासन करने की विधि और इसके फायदे। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर बताएं, और नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हेल्थ टिप्स इन हिंदी। धन्यवाद।